तो फाइनली फ्रेंड्स गाड़ी हो चुका है रेडी। ओके तो अभी लेंगे गाड़ी का टेस्ट राइड। तो अभी गाड़ी में पेट्रोल भी कम है, एक्चुअली शोरूम से ही जितना था, तो एक टेस्ट राइड मार के आते हैं। तो ये गाड़ी में थोड़ा हवा भी शायद कम है, देख लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही है नया गाड़ी, एकदम फर्स्ट राइडिंग मैं ही कर रहा हूँ, मतलब ख़रीदने के बाद। एंड फ्रेंड्स ये है 125 सीसी का, इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल में, आप देख सकते हो। तो इंडस्ट्रियल पार्क से राउंड मार के आ जाएंगे, ठीक है। तो यही है कुछ गाड़ी, 125 सीसी BS6 होंडा का, लगभग 97 समथिंग लिया है, 850 रुपीज़ का खाली लेग गार्ड लिया था, 98,000। एंड इस साइड में है हॉर्न, इंडिकेटर, सेम स्विच में पास है, एंड इसमें बहुत कुछ सेटिंग्स वगैरह है, देख सकते हो आप, रेंज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इंस्टेंटेनियस माइलेज, रेंज बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है। इधर है फ्यूल, फ्यूल गेज है, स्पीडोमीटर बीच में है, टैंक लगभग 11 लीटर का टैंक है। एंड फ्रेंड्स गियर की बात करें तो 1 डाउन 4 अप है, एंड इस साइड में है ब्रेक। गाड़ी का ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड ब्रेकिंग पावर भी आप देख सकते हो, पावरफुल है ब्रेक्स। एंड इधर न्यूट्रल है, हाई बीम है, इधर इंस्टेंट ये माल फंक्शन लाइट है, और साइड में इंडिकेटर है। एंड कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है, ग्रीन के साथ है ब्लैक में। तो यही कुछ था वीडियो फ्रेंड्स, इसके बाद गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाड़ी में अभी पेट्रोल भी नहीं है, एकदम स्मूथ है गाड़ी का ट्रांसमिशन सिस्टम, तो थोड़ा और चलाएंगे, ताकि कोई एबनॉर्मलिटी है तो पहले ही इधर ही बोल देंगे, ठीक है। बाकी इसका ब्रेक भी बहुत ही तगड़ा है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, पीछे का ब्रेक मारने पे सामने में भी ब्रेकिंग होता है 40%, एंड सामने सिंगल डिस्क भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम स्विच में इंजन किल स्विच एंड स्टार्टिंग स्विच है इंटीग्रेटेड। बाकी ऐसा ही है कुछ गाड़ी, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, BS4 से अच्छा है, लेकिन माइलेज भी बहुत अच्छा क्लेम करता है, लेकिन इसमें आपका जो इंजन नॉट है वो BS4 जितना स्मूथ नहीं है, यही एक प्रॉब्लम लगता है मेरे को। बाकी न्यू गाड़ी है तो उसको थोड़ा धीरे ही चलाना है, 60-70 के अंदर ही, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं उठाना है। बाकी गाड़ी के साथ एक हेलमेट फ्री है, एक्चुअली गाड़ी लिया हूँ बाबा होंडा खड़गपुर से, उधर से आप लेंगे तो मैकेनिकल बाई चॉइस का नाम लेना, इजीली आपको एक हेलमेट मिल जाएगा FOC का, फुल या हाफ हेलमेट कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, ऑप्शन में है, ठीक है। बाकी ये सबको भी एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो न्यू गाड़ी है तो इसमें थोड़ा बहुत देख के चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी हैंडलिंग तो बहुत ही स्मूथ है, एंड विद पिलियन गाड़ी में ऐसा लग नहीं रहा है कि गाड़ी का पावर कम है, हालांकि 125 सीसी का है, पावर आपको लगभग 11 BHP के आसपास ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बाकी इधर से पेट्रोल भरा लेते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल भराएंगे अभी, तो ये है इसका पेट्रोल कैप
जो कि फुल्ली रिमूवल है, आप देख सकते हो। एंड इधर पोर्ट दिया हुआ है, अगर पानी जाता है तो वो निकल जाएगा। लुक तो बहुत ही अच्छा दिया है, टैंक डिज़ाइन स्पेशली अच्छा है, ठीक है। बाकी इसका क्लच भी बहुत ही शानदार है। बाकी इसमें जो एक्सीलेटर है वो केबल थ्रू गया है इधर में। इसमें प्रोग्राम डेफाई है जिसके साथ आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। एंड होंडा इको टेक्नोलॉजी ईजीटी है इसमें, ठीक है। 500 तो 500 का पेट्रोल मारेंगे अभी गाड़ी के अंदर। तो पेट्रोल भराना हो गया, अभी देखेंगे। हाँ, चार स्टेप उठा है, ठीक है, चार स्टेप एक्चुअली उठा है। एंड इसमें ऑल्सो गियर इंडिकेटर भी है राइट साइड में। एंड 500 का पेट्रोल मारने पे लगभग 5 लीटर समथिंग होता है। एंड इसी के साथ इसमें अभी भी गियर इंडिकेशन थोड़ा स्लो है, फिर एक्सपल्स से तो अच्छा ही है, ठीक है। बाकी यही है कुछ गाड़ी, हम इंडिकेटर देंगे। इसका पीछे का जो टायर है वो थोड़ा सा थीन है, आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं, सुब्रमसु से मिलते हैं एंड एक फ़ोटो उठा लेते हैं। हाँ, एक हाँ मैं जानी। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो करते हैं इधर ही ख़त्म।